ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ आपको सिर्फ हंसने की इजाजत है, एंड अगर आपने कोई और एक्सप्रेशन दिया तो आपकी तुरंत मौत हो जाएगी। यहाँ ये औरत हंसते हुए अपने बहन को बताती है कि उनकी माँ मर चुकी है। ये सुनने पर वो चाहकर भी अपने इमोशंस रोक नहीं पाती और वो रोने लगती है, जिससे उसके पीठ पर लगा बैज रोते हुए इमोशन में बदल जाता है, जिस वजह से पास खड़ा एक इमोजी बॉट ये नोटिस कर लेता है कि वो औरत स्माइल नहीं कर रही, तो वो उसे पकड़ लेता है। वो बॉट दूसरे नैनो बॉट्स को इस चीज का सिग्नल भेजकर उन्हें उस औरत पर अटैक करने कहता है, और पलक झपकते ही वो औरत हड्डियों के टुकड़ों में बदल जाती है। ये देखकर उसके बहन की हालत खराब हो जाती है, वो फिर भी स्माइल करने की कोशिश करती है पर नहीं कर पाती और वो भी मारी जाती है। फिर कुछ देर बाद डॉक्टर हु और बिल उस प्लेनेट पर आते हैं और उन्हें पता चलता है कि कुछ लोग इमोजी बॉट्स को लीड कर रहे हैं ताकि वो उस प्लेनेट को ट्रांसफॉर्म कर सके और 100 सालों बाद इंसान यहाँ पर रह सके। उसी वक्त एक इमोजी बॉट वहाँ उनका स्वागत करने आता है और उन्हें 2 बैज देता है। फिर वो लोग इमोजी बॉट को फॉलो करते हुए एक हॉल में जाते हैं और डॉक्टर को बहुत अजीब लगता है क्योंकि अभी तक उन्हें एक भी इंसान नहीं मिला था। फिर वो वहाँ के प्लांटेशन के पास आते हैं और देखते हैं कि इमोजी बॉट्स पौधों को किसी अजीब तरह का फर्टिलाइजर खिला रहे थे, और डॉक्टर को सबसे बड़ा शॉक तब लगता है जब वो देखते हैं कि वो फर्टिलाइजर इंसानों के हड्डियों से बना है। उन इमोजी बॉट्स ने अपने सारे ओनर्स को मार दिया।